सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग की दुआ से मैं भी यहाँ अच्छी हूँ। तो अभी टाइम हो रहा है असीर का और मैं बनाने जा रही हूँ अफ्तारी। तो अभी मैं जस्ट यहाँ बैठी थी सैफ के पास, क्योंकि सैफ अकेला बैठा था तो मैं आके उसके पास बैठ गई थी, क्योंकि सबा गई नहानी और सोल कोई काम से बाहर गया है। तो बस अभी मैं जा रही हूँ ऊपर, क्योंकि मुझे बनाना है अफ्तारी। तो अफ्तारी में मैं क्या बनाऊंगी वो आप लोग के साथ में शेयर करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोग को अच्छा लगेगा। तो चलिए फिर अभी बना लेते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि कितनी भी जल्दी बैठ जाओ तो बनाते बनाते वो मगरिब लग ही जाती है। तो चलिए थोड़ा जल्दी बैठने सोचती हूँ मैं हमेशा, और हमेशा लेट भी हो जाती हूँ। तो चलिए फिर यहाँ से मैं उठती हूँ और जाती हूँ ऊपर बनाने के लिए। तो मैं आपको सैफ को बता देती सैफ क्या कर रहा है। देखिए सैफ बैठा हुआ है। सैफ क्या कर रहा पापा? मोबाइल देख रहा है। और यहाँ हमारा बिब्रो खेल रहा है, देख सकते हैं आप लोग। बिब्रो बिब्रो, ये दिन भर सैफ के पास ही रहता है और हटता नहीं। इसको कितना भी भगाओ, कुछ भी बोलो, मगर ये सैफ के पास रहता है या फिर कुर्सी के ऊपर बैठ के बैठता है या सो जाता है। ये देखिए आप लोग को दिखा रहा कि मैं ऐसा सो जाता हूँ। बिब्रो चल सैफ, मैं आती हूँ। हाँ नहीं तो टाइम हो जाएगा ना, पापा अभी सब आ रही है ना के। हाँ ठीक है, चल मैं आती हूँ। तो चलिए फिर हम ऊपर जाते हैं और फटाफट हमारी तैयारी करते हैं। और ऊपर के पंखे चालू है, सोल देखो क्या कर रहा है, देखती हूँ मैं। तो देखिए यहाँ हमने चने वगैरह पहले से मैंने निकाल के रखी हूँ, क्योंकि रात को बच्चे लोग ने भिगा दिए थे। तो अब इसको मैंने वॉश करके रख ली थी वो टाइम, मगर टाइम बचा हुआ था इसके लिए मैंने नहीं अभी इसको कुछ करी थी। कहने का मतलब है मैं नीचे चली गई थी इसके लिए इसको उबालना था। आप देख सकते कुकर रखी थी मगर उबाली नहीं, क्योंकि मैं नीचे गई थी। अभी मैं उसे उबाल लूँगी। और यहाँ थोड़े से पालक मुझे वैसे में नहीं डुबो के करते आप लोग, ऐसा करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अब थोड़े से पकौड़े ये बना दूँगी पालक के, ऐसे अक्खे अक्खे पत्ते के मेरे को बहुत अच्छे लगते हो। तो थोड़े से मैंने निकाली हूँ ये बना दूँगी। और यहाँ पे मैंने से पालक को कट करके रख ली थी, अच्छे से वॉश कर ली मैंने। इसकी मेरे को बनानी है भजिया। और यहाँ मेरे बटाटे हैं यानी कि आलू वगैरह, इसको भी मैंने कट करके रख ली थी और पानी में भिगा दी थी, तो इसे भी बना लूँगी मैं। ऑलमोस्ट यानी जो भी काम था मैंने पूरा कर ली हूँ, बस मुझे फटाफट अभी बेसन में फेंटना है और बनाना है, और इंशाल्लाह हो भी जाएगा फटाफट, क्योंकि नियत अच्छी रखेंगे तो काम भी जल्दी हो जाता है, यानी मंजिल आसान होती है। क्या कहते हैं वो मुझे नहीं मालूम, अगर मैं सुनी हूँ तो कुछ बोलने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये देखिए ये मैं चने, अभी मैं सोयल होता तो अच्छी तरह से वीडियो लेता, वो अभी गया है बाथरूम, तो कोई बात नहीं मैं यहाँ जितना हो सके बता देती हूँ आप लोग को। तो मैंने चने इसमें ऐड कर दी हूँ। अब इसमें मुझे ऐड करना है पानी और नमक, ये दोनों ऐड करके इसे मैं उबलने के लिए रख दूँगी और करीब 4-5 सीटी ले लूँगी। तो गाइस आप लोग समझ सकते हैं बाहर से कितनी आवाज़ें आ रही है, तो मैं अभी ऐसी आवाज़ में नहीं बात कर सकती आप लोग से, अलग से बात कर लूँगी। ठीक है, तो चलिए फिर मैं यहाँ तैयारी करती हूँ, फिर आप लोग से मिलती हूँ। तो चलिए यहाँ मैं अभी चने उबालने के लिए तैयारी कर रही हूँ, जैसे कि मैंने पहले ही आप लोग को बोल दी हूँ। तो इसमें मैंने नमक डाल दी हूँ, पानी डाल दी और इसे 4-5 सीटी लगाने के लिए तैयार कर ली हूँ। और मैंने गैस ऑन कर ली हूँ और बाजू में भी मैं अपना जो भी काम है वो भी साथ ही साथ मैं कर लूँगी। तो यहाँ सबसे पहले मैं पालक ले ली हूँ और इसका मैं फटाफट भजिया बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने पालक ये एक गड्डी मंगाई थी, लेकिन मुझे थोड़ी चाहिए था, तो मुझे जितनी चाहिए था मैंने उसको ले ली, बाकी मैंने हटा दी। और यहाँ पर मैंने सबसे पहले बेसन ले ली हूँ और साथ ही साथ मैंने इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला, ये सब मैं ऐड करती हूँ और नमक ऐड कर दूँगी। तो मैं इसी तरह भजिया बनाती हूँ, वही आप लोग को बताती हूँ। आप मेरी तरह एक बार बना के देखना, ज़रूर आप लोग को अच्छी लगेगी। तो यहाँ मैं पहले सूखा
कर रही हूँ और थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको घोल बना लूँगी। और बस ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करूँगी, नहीं तो फिर ज़्यादा बेसन हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे फिर मैं अभी बटाटे के लिए अपना बैटर तैयार कर रही हूँ। तो इसमें से मैंने हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और जैसे कि गर्म मसाला, बस यही सब ऐड कर दी सेम टू सेम। और यहाँ पे भी मैंने पानी लेके अपना घोल तैयार कर ली हूँ, यानी कि अपना बैटर तैयार कर ली हूँ। तो चलिए, यहाँ मेरा इतना काम तो निपट ही गया था और दो सीटी आ गई थी, तो मैं चलो जब तक वहाँ पे हमारे चने गल रहे हैं तो यहाँ मैं थोड़ा सा ये बना लेती हूँ नमक पारे, क्योंकि ये मेरे बच्चे लोग बोल रहे थे अम्मी तुम अगले साल नमक पारे बनाए थे, अब की नहीं बनाओगे। तो यहाँ मैंने ना 1.25 किलो मैदा मंगा ली थी, जिसमें से मैंने थोड़ा मैदा ले ली, ज़्यादा नहीं ली, थोड़ा। अगर ये लोग खाए ना तो मैं दोबारा फिर बना दूँगी। इसके लिए बस 1 लोई के बराबर मैंने मैदा ले ली, उसमें मैंने अजवाइन को मसल के डाल दी, क्यों अजवाइन मसल के डालने से उसकी खुशबू अलग ही होती है। और थोड़ा सा मैंने तेल ऐड कर दी, वैसे तो मुझे घी करना चाहिए था लेकिन बच्चे लोग को बिल्कुल पसंद नहीं आता घी की चीज़ें, तो इसमें मैंने थोड़ा सा तेल ऐड करके और बस अभी अपनी गुंदाई चालू कर दी हूँ। तो बस ये थोड़ा ही बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितने अच्छे से तैयार हो गया है। तो बस उसे मैंने अभी उसको रिलैक्स होने के लिए रख दी हूँ। और यहाँ मैं अभी अपने चने देख लेती, तो माशाल्लाह यहाँ पे 5 सीटी हो गई थी और यहाँ मैं आप लोग को चने बता रही, अच्छी तरह से चने गल गए थे। तो चलिए, यहाँ मैंने छान के निकाल ली हूँ पानी और अभी यहाँ कढ़ाई में पहले रख देती हूँ, बारी बारी मैं जो भी है पका लूँगी भजिया। तो बस यहाँ पे मेरा काम चालू रहता है और मेरी निगाह अपना ये घड़ी में रहती है, क्योंकि मुझे टाइम पे टाइम देखना पड़ता है भाई कि मैं लेट तो नहीं हो रही। तो बस काम अपना करती जाती हूँ, घड़ी में देखती जाती। तो यहाँ सबसे पहले मैंने अपनी बटाटे की भजिया बना ली हूँ और साथ ही साथ मैं अपने जो पालक मैंने तोड़ के रखी थी उसकी, तो इसकी भी भजिया मैं बना लेती हूँ। तो बस इसी तरह मेरा सारा काम हो जाता है, लेकिन मैं बेमतलब का मैं फ़िक्र करती रहती हूँ कि अरे देर ना हो जाए, देर ना हो जाए, ऐसा कुछ नहीं, माशाल्लाह सब हो जाता टाइम पे। तो बस यहाँ पे मैंने पालक की भी भजिया तल दी अच्छी तरह से, अब मेरी एक दो बचा है वो भी कर लूँ और उसके बाद जो भी रहेगा वो भी मैं फटाफट सेक लूँगी। तो मुझे ध्यान में आया कि मैंने जो नमक पारे के लिए आटा गूंद के रखी थी, तो मैं सभा को बोली सभा तू फटाफट उसके गोले बना के और मेरे को बेल के दे दे बेटा, नहीं तो यहाँ पर मेरी भजिया बन जाएगी और मेरा तेल ऐसे ही रह जाएगा। तो अभी गर्म तेल था तो झटपट सारा काम हो जाता, तो मैंने उसको बोली तो वो बेचारी बोली हाँ मैं कर लेती हूँ। तो वो अपने हिसाब से, हालांकि उसको आता है बेलने ऐसा नहीं, मगर वो बेल नहीं पा रही थी क्योंकि मैदे का था तो उससे बराबर बिल नहीं रहा था, लेकिन उसने कोशिश कर रही थी। तो अभी उसने अच्छी तरह से बेल के और कट करके मेरे को दे दी। अब मैं यहाँ पर फटाफट अपना नमक पारे भी बना लेती हूँ और मुझे बड़ा शौक है ये नमक पारे, जितना शौक से मैं बनाती हूँ उतने शौक से मैं खाती भी हूँ और अच्छा लगता है मुझे खाने में, और इसे मैं चाय में ज़्यादा पसंद करती हूँ खाना, लेकिन अभी मैं बनाती नहीं हूँ क्योंकि बच्चे लोग को इतना पसंद नहीं आता ये सब चीज़ें, नहीं तो मैं पहले बहुत बनाया करती थी और ख़ास करके नाश्ते में हम लोग खाते थे। तो बस यही देखने के लिए मैंने रखी थी कि बच्चे लोग खाते हैं कि नहीं, तो थोड़ा बना ली थी। तो यहाँ मेरी सारी भजिया तैयार हो गई थी, तो मैंने सोचा लो फटाफट अपने चने भी बना लो, और मेरे को 15 मिनट बाकी थे तो मैंने फटाफट यहाँ पे अपना कढ़ाई खाली कर ली थी और थोड़ा सा तेल उसमें ऐड कर ली, और साथ में मैंने एक कांदा मीडियम साइज़ का कट करी थी उसको भी ऐड कर दी। और मैंने इसमें कुछ ज़्यादा नहीं ऐड करूँगी, सिर्फ इसमें मैंने 2-3 कड़ी पत्ता तोड़ के डाल दी हूँ और अब उसे मैं लाल कर ली हूँ कांदे को। उसके बाद मैंने आधा चम्मच अपना अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दी हूँ। अब इसमें हल्दी, धनिया, मिर्ची ये सब ऐड कर दूंगी। और मुझे चाहिए था चने मसाला, लेकिन चना मसाला नहीं था तो यहाँ मैंने गरम मसाला ऐड कर दी हूँ, और साथ में मैं नमक और थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर, क्योंकि मैंने इसमें हरी मिर्ची कट करके नहीं डाली थी और बहुत सिंपल सा बना रही हूँ मैं एकदम नॉर्मल तरह से, और झटपट बनता है ये चने और माशाल्लाह खाने में बहुत टेस्टी भी लगता है। तो मैंने इसमें टमाटर को भी नहीं ऐड करी क्योंकि टमाटर मेरे ध्यान में नहीं था कि टमाटर है नहीं, होता तो मैं ज़रूर डालती। और यहाँ मेरे चने तैयार हो गए, थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसे पकने के लिए रख दी थी, तो वहाँ वो चने पक रहे थे जब तक कि मैंने यहाँ पे हरी कोथमीर कट करके इसमें ऐड कर दी थी। तो माशाल्लाह हमारे चने मसाले तैयार हो गए और ये बहुत जल्दी और झटपट बनता है, आप लोग ज़रूर ट्राई करना। तो बस यहाँ पर अभी टाइम हो गया था, करीब 10 मिनट बाकी थे और मेरे फटाफट चने भी तैयार हो गए थे। तो अब मैं बस इसे पलेट में निकाल लेती हूँ और थोड़ा सा इसे सजा देती हूँ, क्योंकि सभा को बड़ा पसंद आता है इसे सजाओ तो वो बहुत खुश रहती है, मतलब उसको अच्छा लगता है ऐसा।
तो बस मैंने सोची थी कि टमाटर वगैरह भी डाल दूँ, लेकिन नहीं था। तो चलिए कोई बात नहीं, अब हमारी इफ्तारी तैयार है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं, अल्लाह की दीवी सारी नियामत है, अल्लाह का शुक्र है परवरदिगार का। और ये जो इडली बाजू में रखी है आप देख सकते हैं, वो हमारी बाजू वाली खाला है, उनके घर से आई थी इडली। और इंशाल्लाह भी मेरे को भी अफ्तारी सब जगह देने, इंशाल्लाह बांटेंगे हम भी। तो बस ये छोटा सा ब्लॉग था आप लोग के लिए, कैसा लगा मुझे बताना। फिर इंशाल्लाह मैं आप लोग से मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।